Let's find out how to find a job abroad. Now the question comes, what to do and how to do. तो अब हम क्या करें, कैसे करें? तो अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा मार्केट में टॉप स्किल्स ट्रेंडिंग में क्या है, और हमें वो सब फाइंड आउट करना होगा, उस पर काम करना होगा, धीरे धीरे उस पर एक्सपीरियंस गेन करना होगा, और उसमें एक्सपर्ट बनना होगा. हमें इतना एक्सपर्ट बनना होगा कि हम उसमें टॉप 10% में एटलीस्ट आ जाएँ. चलिए दोस्तों, आज के केस के लिए हम सिंगापुर को कंसिडर करते हैं. आपने क्रेजी रिच एशियंस मूवी देखी होगी, वो भी सिंगापुर बेस्ड है. कहा जाता है हर छठा बंदा सिंगापुर में मिलियनर है. सिंगापुर इतना डेवलप सिर्फ और सिर्फ अपने ज्योग्राफिक लोकेशन के यूटिलाइजेशन की वजह से है. यहाँ पे दो मेन बिजनेस इनके, ट्रांसशिपिंग और एयरपोर्ट. ट्रांसशिपिंग बिजनेस इसलिए है क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, और जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो जापान, कोरिया और चाइना, सारे के सारे यहाँ से होके एक्सपोर्ट करते हैं. दूसरा, इनका एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा विकसित इसीलिए किया गया है ताकि हर फ्लाइट जो है यहाँ से होकर जाती है, तो यहाँ से इनके ज़्यादा बिजनेस हो पाए. अब आप सिंगापुर को क्यों क्यों कंसिडर करें? सिंगापुर इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. यहाँ की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो है $3,500, और यहाँ की जो लोग हैं वही यहाँ के मेन एसेट हैं. तो यहाँ की जो मेन दिक्कत है वो है एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट. इसलिए इनको लोग चाहिए, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, हर काम करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए. तो इस चीज़ का वो यूटिलाइज़ करते हैं. इसके लिए यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह वगैरह से आते हैं. इसी तरह इन्हें स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हायर करते हैं बाहर से. अब यही नहीं, इसके अलावा जो है वर्ल्ड के लिए सेकेंड यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आते हैं ये लोग. जब भी इन्हें बिजनेस करना हो तो सेकेंड नंबर इनका है ईज़ ऑफ बिजनेस में. और फिर क्या, ये सबसे सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट बना रखा है इन्होंने लोगों के लिए. बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं. यहाँ पे जो है फाइनेंशियल हब है ये एशिया का. और इसके अलावा यहाँ पे जो सारे एग्जीबिशंस जो होते हैं वो भी सिंगापुर में होते हैं. वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं, एग्जीबिशन होते हैं. फिर यहाँ पे शिपिंग बिजनेस इनका बहुत तगड़ा है. फिर सेमीकंडक्टर ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके, जो मल्टीनेशनल कंपनी, सबके हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं. FDI इन्फो में इनका थर्ड लार्जेस्ट है. और यहाँ पे जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे. सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ का जो टैक्स है वो 5.6 से 11.5% है, जो कि बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. तो अब हमने मार्केट्स रिसर्च कर लिया, स्किल्स डेवलप कर लिए, टॉप 10% में भी आ गए. अब हम लोकेशन भी डिसाइड कर लिए. अब हमें आखिरी काम करना है जो कि नेटवर्किंग स्किल्स पे काम करना है. तो अब हम जानेंगे क्यों और कैसे नेटवर्क एक्सपैंड करें. क्या आपने सुना है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हुम यू नो. आजकल के कॉर्पोरेट के या बिजनेस की दुनिया में ये बहुत ही एसेंशियल स्किल है. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करना ही होगा. सही लोग चुनने होंगे. हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी तो लोगों से ही बना है. आप जो कोर्स लें या जो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या किसी भी करियर में जाएं, कभी ना कभी आपका कोई ना कोई फ्रेंड, आपका करीबी, आपका फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई तो आपका काउंसलर रहा होगा. ये नहीं तो कोई ना कोई वीडियो, कोई बुक, कोई ब्लॉग, कोई सेमिनार जहाँ आप गए हो और जहाँ किसी ने आपको सजेस्ट किया हो, और उसके बाद आपकी दुनिया बदल गई, आपकी सोच बदल गई हो. तो जॉब, तो जो जॉब आप लें या करियर डिसाइड करें, डिसीजन लें, सब में आप इन्फ्लुएंस हैं. आप लोगों से इन्फ्लुएंस हैं, जो वो लोग आपके पड़ोस के हो सकते हैं, क्लोज वन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है. जितने ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं, आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लेने, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के. जितने अच्छे लोग, संगत और उनके राय आपके मिले, तो उतने आपके डिसीजन जो बेहतर होते जाते हैं ज़िंदगी में. आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम प्रोसेस बना के लोगों को अप्रोच करना चाहिए. लोग अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं, या उनके साथ सोशल होना चाहते हैं, या घूमना फिरना चाहते हैं. और कभी किसी, आपने देखा होगा कि किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, तो आप ज़रूर उसको ट्राई करना चाहते हैं अगर वो आपका ट्रस्टेड है. तो 85% ऑफ जॉब्स जो अमेरिका में है वो थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन से ही मिलती है. तो इसीलिए हमको लोगों को कुछ कैटेगरीज में डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि हेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल, एम्बिशियस, नॉट एम्बिशियस, या जो कुछ लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं. और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ये नहीं होगा, वो मत करो, ये तो बहुत रिस्की है. तो अब हमें ध्यान से हमारा ग्रुप चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा और आगे जाके हमारे फ्यूचर को शेप करेगा. तो अब हमें आप बताइए, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, कैसे आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे? तो एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ. तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, लोगों से जान पहचान कर सकते हैं,
और यहाँ पे जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। तो हम स्पेसिफिकली जॉब सर्च करेंगे आज यहाँ पे। तो मैं इस मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, तो आपका प्रोफाइल नहीं है तो आप अपने प्रोफाइल के बारे में पूरा यहाँ पे बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, स्किल्स डालिए, आपके प्रोफाइल में फ़ोटो डालिए, तो उससे आपका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार आपका प्रोफाइल परफेक्टली हो जाए फिर हम जॉब्स पे जाएंगे। जॉब्स पे जाके हम देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है सेक्शन जॉब्स अलर्ट, तो आपके अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जॉब के। तो अलर्ट करने से पहले हमें क्या है, जॉब डिफाइन कर रहे हैं हम किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं। सपोज़ हम ढूंढ रहे हैं डेवॉप्स जॉब, डेवॉप्स इंजीनियर, और यहाँ पे हम सिंगापुर हमारी लोकेशन है, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे सिंगापुर से जितने लॉ जॉब्स हैं लिंक्डइन पे लिस्टेड सारे दिखा देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप अलर्ट सेट कीजिए, तो उस अलर्ट पे आपको सारे आपके जो प्रोफाइल है वहाँ पे अलर्ट सेट हो जाएंगे और सारे इस तरह के जॉब्स जो हैं वो आपको वहाँ लिस्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम जाएँ मेरे प्रोफाइल पे, सॉरी जॉब्स पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे जाके जॉब अलर्ट्स पे। तो जॉब अलर्ट्स पे आप देखिए, मैंने अलग अलग तरह के आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सेट किए हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ डेवॉप्स, डेवॉप्स मैनेजर, ये सब अलग अलग टाइटल से मैंने और सर्च के हिसाब से मैंने सर्च किया हुआ है। कुछ सिंगापुर के हैं, कुछ यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो इस तरह से आप एक अलर्ट बना के रख सकते हैं, आपको सजेशन भी उस हिसाब से आएगा, रिकमेंडेशन भी आएगा और आपका अलर्ट भी बना रहेगा। तो सपोज़ मैं जॉब अलर्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डेवॉप्स मैनेजर पे जाता हूँ, तो उस तरह के सारे जॉब्स जो हैं जिस तरह से मैंने सर्च फिल्टर सेट किए हैं वो उस हिसाब से मुझे अपने सारे जॉब्स दिखाना शुरू कर देगा। तो बस आज के लिए यही था, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू डिड फाइंड दिस यूजफुल।